तो आज सीता नवमी है और इसी के शुभ अवसर पर आदि पुरुष के मेकर्स ने माँ सीता का एक मोशन पोस्टर रिलीज किया है। कुछ दिन पहले से ही यह खबरें आ रही थी कि आज यानी 29 तारीख को हमें आदि पुरुष के तरफ से कुछ ना कुछ देखने को जरूर मिलेगा। पहले ऐसा लग रहा था कि शायद हमें टीजर या ट्रेलर में से कुछ देखने को मिलेगा, लेकिन इनमें से तो कुछ देखने को नहीं मिला। पर सीता माँ का एक मोशन पोस्टर रिलीज हुआ है तो इसके बारे में बात करेंगे, पर उससे पहले एक छोटा सा इंट्रोडक्शन। आप देख रहे हैं सोशल फ्लक्स, जहां पर आपको मूवी अपडेट, रिव्यू और रिकमेंडेशन के वीडियोस मिलती रहेंगी। तो मोशन पोस्टर की शुरुआत होती है घने बादलों से, जिनके बीच प्रभु श्री राम प्रकट होते हैं और उनके पीछे बिजलियां कड़क रही होती हैं। और इसके बाद हमें सफेद रंग की साड़ी और भगवे रंग के दुपट्टे में सीता माँ दिखती हैं। इस कपड़े को देखकर ऐसा लगता है कि सीता माँ अभी वनवास काट रही हैं। और इसके तुरंत बाद हमें एक और पोस्टर देखने को मिलता है, जिसमें सीता माँ की आंखों में आंसू होता है, जिसे देखकर ऐसा लग रहा है कि वह अभी अशोक वाटिका में है और रावण ने उन्हें अगवा कर लिया है और वह काफी दुखी हैं। एक और चीज जो इस मोशन पोस्टर को बहुत ही ज्यादा खास बनाती है वह है राम सिया राम का बीजीएम, जिसे कंपोज किया है सचेत परंपरा ने। तो पिछले तीनों पोस्टर यानी हनुमान जी, श्री राम जी और सीता जी के बाद ऐसा लग रहा है कि आदि पुरुष की सारी निगेटिविटी पॉजिटिविटी में बदल गई है। अब ऐसा लग रहा है कि यह मूवी एक सही ट्रैक पर है और फैंस इस मूवी को लेकर काफी ज्यादा पॉजिटिव फील कर रहे हैं। और इसका क्रेडिट रेट्रो फाइल मोशन पिक्चर को जाना चाहिए, क्योंकि पिछले तीनों पोस्टर को इसी कंपनी ने बनाया है। लेकिन इस मूवी की असली अग्नि परीक्षा टीजर और ट्रेलर आने के बाद होगी, क्योंकि यही इस मूवी की फ्यूचर को डिसाइड करेगी। तो वक्त आ गया है इस वीडियो को यहीं पर एंड करने का। तो आपके क्या ओपिनियन है इस मोशन पोस्टर को लेकर हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और ऐसे ही मूवी अपडेट रिव्यू के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें।